हेलो फ्रेंड्स, आज हमने व्रत वाला डोसा बनाकर तैयार किया है। इसको हमने साबूदाना और सवा के चावल मिलाकर तैयार किया है। आओ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 1/3 कप साबूदाना ले लिया है। अब इसको हम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। हम इसे इसलिए रोस्ट करते हैं ताकि ये मिक्सर में अच्छे से पिस जाए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम एक मिक्सर जार में 1 कप सवा के चावल ले लेते हैं और इसमें ही रोस्ट किए हुए साबूदाना ऐड कर देते हैं। साबूदाना ऐड करने से पहले हमने इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका हमने एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम एक जार में 1 कटा हुआ आलू ले लेते हैं और इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और अब पिसे हुए आलू को हमारे मिक्सर में ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप दही ऐड कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया अदरक, ग्रीन चिली और धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें पहले 1 कप पानी ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 1 कप पानी और ऐड कर देते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए चटनी बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक जार में थोड़ा सा धनिया पत्ती, 1 ग्रीन चिली, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और रोस्ट किए हुए पीनट्स ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून सेंधा नमक ऐड कर देते हैं और इसमें 1/2 नींबू का रस भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 1/3 कप के लगभग पानी ऐड कर देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। हमारे बैटर को रेस्ट किए हुए 20 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसे डोसा बनाकर तैयार करते हैं। तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर बैटर को अच्छे से फैला देते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देते हैं। घी से डोसा बहुत क्रिस्पी बनता है। अब लो फ्लेम पर इसे अच्छे से सिकने देते हैं। हमारा क्रिस्पी डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और चटनी के साथ एंजॉय करते हैं। बाय फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।